ग्रेटर नोएडा से 112 विदेशी छात्रों के गायब होने के बाद पुलिस के होश उड़ गए। सभी गायब छात्र नाइजीरिया के हैं और शारदा यूनिवर्सिटी में इन छात्रों ने एडमिशन लिया था। पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियां अब इन छात्रों की डिटेल यूनिवर्सिटी से मंगाकर इनकी कुंडली खंगालने में जुट गई। ये खबर ने ग्रेटर नोएडा पुलिस के होश उड़ा दिए। खबर 112 विदेशी छात्रों के गायब होने की है। ये सभी स्टूडेंट्स निजी यूनिवर्सिटी शारदा में पढ़ाई करने आए थे। फेल होने के बाद यूनिवर्सिटी को बिना कोई सूचना दिए गायब हो गए। स्टूडेंट वीजा पर पढ़ रहे इन स्टूडेंट्स की खबर पुलिस ने तब ली जब अफ्रीकी मूल के छात्रों ने अपनी सुरक्षा की चिंता जताई। ये वो लिस्ट है जिसमें कि कई बच्चे उनके यहाँ फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं, वो स्टूडेंट वीजा पे यहाँ आते हैं, उसके बाद बिकॉज ऑफ सम रीजन दे लीव द कॉलेज, और या उनको पता चलता है किसी और कॉलेज में ज़्यादा अच्छी पढ़ाई हो रही है या किसी और, या वो फेल हो गए हैं, तो वो उनको ट्रेस नहीं कर पाते हैं वो जो कॉलेज के लोग हैं। तो वही लिस्ट उन्होंने हमको उपलब्ध कराई है, तो उस लिस्ट के आ जाने के बाद हमें ये सहूलियत होगी कि अच्छा वो वहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, तो वी कैन कोरिलेट कि वो कहाँ है या उनकी लोकेशन, वी कैन ट्रेस दैट। ग्रेटर नोएडा से 112 अफ्रीकी छात्र गायब। गायब छात्रों का रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी के पास नहीं। विदेशी छात्रों का वेरिफिकेशन कराने में जुटी पुलिस। रिकॉर्ड के मुताबिक ग्रेटर नोएडा की 3 यूनिवर्सिटी में 1600 अफ्रीकी छात्रों ने दाखिला लिया था। अब पुलिस तीनों यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट से दाखिला लेने वाले छात्रों का ब्यौरा मांग रही है। शारदा यूनिवर्सिटी ने जो लिस्ट सौंपी है उसमें 112 छात्र गायब हैं। गायब होने वाले ज्यादातर छात्र नाइजीरिया के रहने वाले हैं। इस देश के नागरिक पहले भी ड्रग तस्करी के मामले में बदनाम रहे हैं। नियम के मुताबिक विदेशी छात्र अपने देश में भारतीय दूतावास से यहां पढ़ाई करने के लिए संपर्क करते हैं। इसके बाद भारतीय दूतावास उन्हें स्टूडेंट वीजा जारी करता है, लेकिन कोई भी छात्र पढ़ाई बीच में छोड़कर जा सकता है। इसकी जानकारी यूनिवर्सिटी और रेजिडेंट यूनियन को देनी होती है। शारदा यूनिवर्सिटी का कहना है कि फेल होने वाले विदेशी छात्रों का रीएडमिशन नहीं होता, उन्हें नए सिरे से दाखिला लेने के लिए अप्लाई करना पड़ता है, लिहाजा उनका रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। नहीं, ये तो हमारा ड्यूटी है कि कोई भी बच्चा जैसे हमारे यहाँ जाता है या अगर बीच में जा रहा है तो प्रशासन ने एलआईयू को उनको कार्य को और सुदृढ़ करने के लिए उनको हम लोग एक लिस्ट देते हैं कि अभी एज ऑन टुडे ये बच्चे हमारे पास हैं, ये बच्चे विड्रॉ करके जा चुके हैं, तो आगे उनके कार्रवाई में थोड़ा आसानी हो जाए। कहाँ के रहने वाले बच्चे हैं जिनके अपने लिस्ट जारी? नहीं, वो हर देश के हैं, अफ्रीकन भी हैं काफी, उसमें कैमरून, नाइजीरिया, युगांडा, कुछ आसपास के अफगानिस्तान, थाईलैंड वगैरह सारे देश के हैं। इस मामले में लोकल इंटेलिजेंस यानी एलआईयू के कामकाज पर भी सवाल उठ रहे हैं। ग्रेटर नोएडा से भूपेन चौधरी, दिल्ली आज तक। इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सफर जारी है। आप देखते रहिए दिल्ली आज तक।